हेलो गाइस, टेक एक पल की से एक और नई वीडियो में गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F23 5G स्मार्टफोन की, जो लास्ट ईयर सैमसंग गैलेक्सी F22 लॉन्च किया गया था उसका सक्सेसर होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G स्मार्टफोन। इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन ऑफिशियल रिवील हो चुके हैं, आगे जाकर के इसी वीडियो में बताने वाले कि सैमसंग गैलेक्सी F23 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, किस प्राइस बेस पर ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा और कब तक लॉन्च होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G स्मार्टफोन। तो चलेगा इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है, बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ पर आपको बैक में प्लास्टिक मिल जाएगी, प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। अगर डिज़ाइन की बात करें तो वीडियो में देख लीजिए, वाटर ड्रॉप नोच डिज़ाइन के साथ आने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी डिज़ाइन के अंदर, वाटर डॉप नोच मिलेगी, पंच होल कटआउट देखने को नहीं मिलने वाला यहाँ पर। गाइस अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा 411 PPI के साथ। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी आपको फ्रंट में। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले अच्छी मिलने वाली है, HDR 10 प्लस की सर्टिफिकेशन, वाटर डॉप नोच डिजाइन के साथ, पंच होल नहीं मिलने वाला यहाँ पर, और यहाँ पर 20:9 का एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा और 720x1080 का रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले ओवरऑल अच्छी मिलने वाली है, रिफ्रेश रेट में आपको 120Hz का स्मूथ हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो गेमिंग, कंटेंट वॉचिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले के मामले में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली सैमसंग गैलेक्सी F23 स्मार्टफोन के अंदर। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आपको क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G की 5G वाली चिपसेट देखने को मिलेगी, जो एक पावरफुल चिपसेट है और ये बनी भी होगी 8 नैनोमीटर प्रोसेसिंग पर। तो काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस मिलने वाली है इसी स्मार्टफोन के अंदर। और यहाँ पर CPU की बात करें तो ऑक्टाकोर CPU परफॉर्मेंस मिलेगी 64 बिट वाली और 2.2 GHz की पीक क्लॉक स्पीड देखने को मिलने वाली। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस के मामले आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। अब बात करेंगे गेमिंग, तो गेमिंग को संभालने के लिए यहाँ पर एड्रीनो 619 का GPU देखने को मिलेगा, काफ़ी फास्ट रेंडर देखने को मिलेंगे यहाँ पर ग्राफिक्स के, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स मिलने वाली है इसी स्मार्टफोन के अंदर। अब बात करते हैं फ़ोन के मेन कैमरे की, तो ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा बैक में, 48 MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का यहाँ पर डेप्थ कैमरा देखने को मिलने वाला है, फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वहीं बात करेंगे सेल्फी कैमरे की, तो पंच होल के साथ आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर भी आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वहीं बात करेंगे सिक्योरिटी की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक देखने को मिलेगा आपको सिक्योरिटी के तौर पर। इस फोन के अंदर आपको 3.5 mAh जैक भी देखने को मिलने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 12 और सैमसंग का यूजर इंटरफेस मिल जाएगा आपको 4.0 वर्जन वाला। तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब बात करेंगे इसके बैटरी बैकअप की, तो 5000 mAh की तो बैटरी मिलेगी आपको ठीक ठाक, लेकिन फास्ट चार्जर में आपको ओनली 18W की चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सैमसंग को काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर अपना चार्जर थोड़ा सा यार ज़्यादा वाट का देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कंपनी जो है चार्जिंग के ऊपर कोई भी काम नहीं कर पाई है। अब बात करते हैं फ़ोन के टाइप की, तो USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए, डुअल सिम स्लॉट मिल जाएंगे, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलने वाला। अगर 5G बैंड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5 से 7 बैंड 5G के मिलने वाले हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। गाइस अब बात करते हैं फोन के वेरिएंट की, 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 4GB एंड 64GB, 6GB 128GB एंड 8GB 128GB। रैम टाइप में आपको LPDDR4X वर्जन और स्टोरेज टाइप में आपको UFS 2.2 वर्जन देखने को मिलने वाला है। गाइस अब बात कर लेते हैं फोन के लॉन्चिंग डेट की, तो ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 8 मार्च को ऑफिशियल लॉन्च होने जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G स्मार्टफोन। गाइस अब बात करते हैं फोन के एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो जो बेस वेरिएंट है 4GB एंड 64GB उसके प्राइस अराउंड देखने को मिलेंगे 16,000 से 17,000 के बीच में। गाइस अभी तक एक्सपेक्टेड है। गाइस ये थे सैमसंग गैलेक्सी F23 5G स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय।